कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर। और आज हम करने वाले हैं संस्कृत विषय। संस्कृत का पांचवा पाठ, पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला। और ये आपके सेट के सिलेबस में भी आने वाला है, तो चलिए हम आपको एक बार ये रिवाइज़ करा देते हैं, इसकी पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं। चलिए पाठ से ही आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत की कुछ लाइनें आपको एग्ज़ाम में दी जा सकती हैं और आपने उनकी हिंदी भी करनी होती है, इस तरह से आपका पैटर्न आता है पेपर में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपने जो है संस्कृत देखनी है, मैं संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी भी बताती जाऊँगी। आरंभ कर लेते हैं। प्रस्तुतोयम पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यगृहीतः। ये जो पाठ है, प्रस्तुत जो पाठ है, वो महर्षि वेद व्यास ने जो ग्रंथ लिखा है, ऐतिहासिक जो हमारा ग्रंथ है महाभारत, के वन पर्व से उद्धृत है। ठीक है। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावना प्रबोधयति। ये जो कथा है, ये सभी प्राणियों में प्रेम की और दया भाव की जो दृष्टि है उसका बोध कराती है। अस्याः अभिस्पीतः अर्थोऽस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनां प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणैव भवति। जब समाज में विद्यमान जितने भी दुर्बल प्राणी हैं, उनकी जो माताएं हैं, उनका अपने पुत्रों के प्रति वात्सल्य प्रेम, यानी कि पुत्र प्रेम जो है, ज़्यादा ही रहता है। हालांकि सभी बच्चों के लिए माँ का जो प्रेम होता है वो समान होता है, लेकिन जो थोड़ा सा भी दुर्बल होता है ना बच्चा, मान लो तीन बच्चे हैं, दो पूरे हैं ताकतवर, लेकिन एक थोड़ा सा दुर्बल, माँ की उस बच्चे के प्रति दया थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये था, ये इसकी भूमिका थी पाठ की। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पाठ का सरलार्थ। कश्चित् कृषकः बलिवृद्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। स्टोरी जो है सारी पास्ट में चलेगी। ठीक है, एक बार की बात है, एक किसान, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, किसान है, आगे उसके दो वृषभ बैल हैं, एक बैल इसमें बैठा हुआ है, एक बैल खड़ा हुआ है। ठीक है, बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कृषक जो है अपने दो बैलों के साथ खेती कर रहा होता है। तयोः बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तचषासीत्। यानी कि जो उसके दो बैल होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक जो है शरीर से थोड़ा सा दुर्बल होता है। अतः कृषकः तम दुर्बलं वृषभं तोदनेन नद्दुमानः अवर्तत। और वो जो है दोनों से खेत जुतवाता रहता है। सह ऋषभः हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। तो जब उसका जो कमज़ोर वाला बैल है ना, वो खेत जोतते जोतते नीचे बैठ जाता है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहती कि अब आगे वो काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, क्रुद्धः कृषिवलः। कृषिवलः क्या है, किसान। ठीक है, क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यतनम् अकरोत्। तो वो जो गुस्सा हुआ किसान जो है, किसान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका काम नहीं बन रहा है ना, और भूमि भी बहुत ज़्यादा बंजर हुई पड़ी है उस टाइम पे, बहुत हार्ड है भूमि, तो उनका बड़ा बल लगता है दोनों बैलों का। तो अब क्या करता है, वो जो किसान होता है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो बड़ा ही यत्न करता है दूसरे वाले बैल को उठाने का कि बैल उठे। यतनम आकरोत, वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन तथापि वृषः नोत्थितः, यानी कि जो दूसरा बैल जो है वो उठ नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर अब वो शरीर से बहुत दुर्बल हो चुका है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो उठे और काम करे। भूमौ पतिते सव पुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभे नेत्रा भ्याम श्रूणि आविरासन। मीन्स
भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे पड़े हुए सब पुत्रम अपने बेटे को दृष्टवा देखकर सर्वधेनुनाम मातुहु, सभी गायों की माता सुरभे सुरभि नेत्राभ्याम श्रोणि आविरासन। यानी कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र बैल को देख करके सभी गायों की माता कौन है? सुरभि, ठीक है, उनके आँखों से नेत्राभ्याम अक्षुणी आविरासन, उनके आँखों से जो है आंसू आ जाते हैं। सुरभे रिमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपह ताम पृच्छत अय शुभे। यानी कि सुरभि जो गायें हैं अब वो रो रही हैं, उनके पुत्र की दशा ऐसी है, तो वो देख करके भगवान इंद्र उनसे पूछते हैं, अय शुभे, अरे शुभा, किमेवम रोदिशी, तुम क्यों रो रही हो? तो इंद्र जी जो हैं पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है, भगवान इंद्र कहते हैं कि किमेवम किमेवम रोदिशी, तुम क्यों रो रही हो? उच्चताम इति साचव, कहती है विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदश आधिपह, अहम तु पुत्रम शोचामी तेन रोदिमी कौशिकः। कहती है हे कौशिक, इंद्र भगवान के लिए कौशिक शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर के, यहाँ पर हे कौशिक, विनिपातो, सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, सहायता, विनिपातो का अर्थ है सहायता, न वह कश्चित कोई भी नहीं, दृश्यते दिखाई दे रहा है, अहम तु पुत्र शोचामी, मैं अपने पुत्र की चिंता कर रही हूँ, तेन रोदिमी, इसलिए रो रही हूँ, भो वास्वः पुत्रस्य देनम दिन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी। कहती है कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दयनीय दृष्टि को देख करके रो रही हूँ, स दीन इति जानापि कृषकः तब बहुधा पीड्यति। कहती है कि ये जान करके, सह दीन, वो दीन है, दुर्बल है, इति जानापि, ये जान करके भी कृषकः किसान तम, उसे बहुधा बहुत ज़्यादा पीड़यति, पीड़ा दे रहा है, सकृच्छेण भारम द्वहति, कहती है कि उससे जो है बहुत सारा भार उठवा रहा है, इतरमिव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, कह रहा है कि इस तरह, कहती है कि इस तरह तो वो मर जाएगा, उसमें तो शक्ति है ही नहीं है उठाने की। आप पिक्चर में देखो, एक बैल आपको जो है बैठा हुआ दिखाई देगा और एक आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, तो दुर्बल कौन सा है? जो बैठा हुआ है। एतत् भवान पश्यति न, क्या ये उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो दुर्बल है दूसरे वाला? इति प्रत्यय वोचत, ये कहती है सुरभि, भद्रे नूनम, सुरभि सहस्त्र आधिकेशु पुत्रेशु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्य कथम। कहते हैं भगवान इंद्र कह रहे हैं सुरभि से कि सहस्त्र आधिकेशु पुत्रेशु, 1000 से भी पुत्र तुम्हारे पास हैं, 1000 से भी अधिक पुत्र हैं तुम्हारे पास, सत्स्वपि तव, सभी तुम्हारे हैं, अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, कि तुम्हारी दया इसी पर क्यों है अधिक अधिक, तुम इस पर क्यों इतनी कृपा कर रही हो, दया कर रही हो। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा प्रश्न करते हैं भगवान इंद्र, और सुरभि कहती हैं, अब कहती हैं यदि पुत्र सहस्त्रम में, कह रही है कि अगर मेरे 1000 बेटे हैं, सर्वत्र सममेव में, वो सभी मेरे लिए समान हैं, दिनस्य तु सतः शक्रः, लेकिन हे शक्र, यानी कि हे इंद्र, जो दीन पुत्र है, पुत्र अस्याधिकाः कृपाः, उस पर जो है सभी पुत्रों से अधिक जो है मेरी कृपा होगी, जो दीन पुत्र होगा, यानी कि दया उस पर ज़्यादा आती है उसको, माता को जो पुत्र दीन होता है यानी कि दुर्बल होता है, उस पर जो है अब माँ को जो है बड़ी दया आती है। बेशक वैसे तो सारे समान ही होते हैं, माँ के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ी दया भावना आ जाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बहून पत्यानि मे संतिति सत्यम तथा पयह मेत अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आदम वेदनाम
अनुभवामि, कहते हैं कि बाकी सभी के लिए जो है तुम्हारी वो सुरभि कह रही है कि बाकी सभी पुत्रों के लिए मेरा प्रेम समान है, किंतु जो ये दुर्बल जो बैल दिखाई दे रहा है, दुर्बल पुत्र पर जो है मेरा एक आत्मवेदना, मेरी जो आत्मवेदना है वो अलग सा अनुभव कर रही है। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, दुर्बल पे जो है थोड़ा अलग सा बिहेव हो रहा है मेरा। सर्वेश वपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, जननी के लिए जो है सभी पुत्र, माँ के लिए जो है सभी पुत्र समान हैं, तथापि लेकिन दुर्बलेषु ते मातु अभ्यधिका कृपा सहजे, लेकिन जो दुर्बल जो पुत्र है वो ज़्यादा कृपा का भागी होता है, उस पर माँ की विशेष जो है दयनीय दृष्टि होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुन करके भीष्म विस्मित स्याखंडरस्यापि हृदयम अद्रवत, यानी कि सुरभि, माता सुरभि के वचन सुन करके जो इंद्रदेव हैं उनका पाषाण जैसा, पत्थर जैसा हृदय जो है वो द्रवित हो गया। सैचे तामेव सांत्वम, उन्होंने जो है अब सुरभि को सांत्वना दी कि गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत, सब मैं ठीक कर दूंगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर वेश्च सह प्रवर्षः समजायत, अब क्या किया इंद्र भगवान ने, इतनी तेज बारिश कर दी, इतनी तेज बारिश कर दी। नेक्स्ट लाइन में लोग क्या कह रहे हैं, लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः संजात, लोग देखने लगे, लोकानाम पश्यताम, लोग देखने लगे कि ये एकदम से इतनी बारिश कैसे हुई। एव सर्वत्र, सभी जगह पानी पानी, जलोपल्लवः संजात, सब कुछ जल से कैसे समा गया। कृषकः हर्षातिकेरेण कर्षण विमुख, अब किसान खुश हो गया कि बारिश आ गई, सूखा पड़ा हुआ था, बारिश आ गई, तो उसने क्या किया, कर्षण विमुख, पहले वो खेत जोत रहा था, कर्षण यानी कि हल जोत, खेत जोतना, ठीक है, तो क्या किया उसने, कर्षण विमुख, अब खेत नहीं जोत रहा था, उससे विमुख हो गया। सन्न वृषभो नीतवा ग्रहम गात, यानी कि अब वो अपने दोनों बैलों को लेकर के वहाँ से चला गया। नेक्स्ट लास्ट श्लोक है इस पाठ का, ये है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपा हृदया भवेत, कि माता के लिए बाकी सभी पुत्र समान होते हैं, सभी के लिए सेम प्यार होता है, लेकिन जो थोड़ा सा भी एक बेटा दीन हो यानी कि थोड़ा सा दुर्बल हो उस पर जो है माँ को थोड़ी सी और ज़्यादा दया आ ही जाती है। ये देखिए आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, एरावत पर इंद्र जी बैठे हुए हैं, एरावत हाथी का नाम है, भगवान इंद्र जो हैं उनके हाथी का नाम एरावत है, और समक्ष जो हैं वो सुरभि जी हैं, गाय हैं ये सुरभि जी, इनकी गणना भी देवताओं में ही होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं हिंदू धर्म में स्पेशली। आई होप कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर योर सेट, आपके सेट के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं मेरी साइड से, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नमो नमः।